हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्र और प्यारी प्यारी लड़कियों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्रांड न्यू एपिसोड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लैश ऑफ क्लैंस ने ऑफिशियली बिल्डर बेस 2.0 के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो गाइस, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लैश ऑफ क्लैंस ने यहाँ पे बिल्डर बेस 2.0 के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दिया है। तो गाइस, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले कि बिल्डर बेस 2.0 में क्या होने वाला है एंड क्या क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने पास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस ने एक हिंग दिया था लॉगिंग स्क्रीन में, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि न्यू हीरो आने वाला है। तो यार कैसे, ये सचमुच के एक न्यू हीरो हम लोगों को देखने को मिलेगा इस वाले अपडेट में, मतलब बिल्डर बेस 2.0 में। सो यार गाइस, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, तो वीडियो को एक भी स्किप मत करना, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा क्या कहने वाला है हमारे नेक्स्ट अपडेट में। एंड उसके साथ अगर गाइस, हम लोग बता दें कि हम लोग यहाँ पे गिवे कर रहे हैं हम लोग अप्रैल सीजन गोल्ड पास का। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, जल्दी से फटाक से देख के गोल्ड पास गिवे में पार्टिसिपेट कर लेना। तो यार गाइस, अब देखो, तो आप बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो अपडेट आने वाला है हमारे गेम में। तो ये बिल्डर बेस 2.0 आने वाला है, मतलब देखो नाइट बेस हमारा जो ये जो बेस है बिल्डर बेस, इसके साथ साथ हम लोगों को और एक विलेज देखने को मिलेगा जो इसके बगल में ही होगा। मतलब इसके बगल में और एक हम लोगों को विलेज देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग उस वाले विलेज से आप जो चाहे कैनन वॉल या बहुत सारे ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे गोल्ड स्टोरेज, जो चाहे आप लोग इस विलेज पे ला सकते हो। एंड इस विलेज का जो मर्जी वो आप उस विलेज में लेके जा सकते हो। एंड उसके साथ साथ न्यू लेवल्स आने वाला है, कैनन का लेवल 10 आएगा, वॉल का लेवल आने वाला है, न्यू वॉल का लेवल आने वाला है, बिल्डर जो क्या बोलते हैं टाउन हॉल जो है बिल्डर बेस का जो टाउन हॉल है उसका लेवल अप होगा, तो लेवल 10 में आई थिंक जाएगा, हाँ लेवल 10 में जाएगा। एंड उसके साथ साथ बाकी सारे जो डिफेंस वगैरह है गोल्ड स्टोरेज उसका सारे लेवल अपग्रेड होगा, मतलब और एक लेवल वो आएगा इधर के साइड होगा वो बिल्डर बेस 2.0। एंड उधर के साइड के सारे चीज़ें को आप इधर के साइड ले जा सकते हो, एंड इधर के साइड की चीज़ों को आप उधर के साइड ले सकते हो। जैसे कि अब हम नहीं ले सकते, बट जब हम लोगों का अपडेट आ जाएगा बिल्डर बेस 2.0 आ जाएगा तब हम लोग ये कर सकते हो। एंड यहाँ पे अटैकिंग में भी थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। क्या होगा देखो, जब दो बेसेस हो चुका है ना तो अटैकिंग में चेंजेस होगा, तो ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो सिंपल सा कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा जब आप अटैक करने जाओगे दूसरे विलेज पे। जैसे कि आप लोग बैटल करते हो ना, बैटल पे होगा क्या, जब आप दूसरे मतलब दूसरे बंदे के साथ आपका जो बैटल होगा ना, उसमें आप लोगों को ये वाला विलेज पहले देखने को नहीं मिलेगा जो फिलहाल के लिए आप यूज़ कर रहे हो। मतलब फिलहाल के लिए जिस विलेज से आप लोग खेल रहे हो, अपडेट के बाद आप लोगों को ये वाला विलेज पहले देखने को नहीं मिलेगा ओपोनेंट पे। ओपोनेंट को क्या देखने को मिलेगा, बिल्डर बेस 2.0 देखने को मिलेगा। उसको पहले 3 स्टार करना पड़ेगा एंड देन इधर के साइड आना पड़ेगा, मतलब बिल्डर बेस हमारा जो मेन फिलहाल के लिए जो बिल्डर बेस है इस पे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को परफेक्ट स्टार होता था पहले, 3 स्टार में परफेक्ट होता था, बट अपग्रेड के बाद यहाँ पे परफेक्ट स्टार 6 स्टार पे परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इधर के साइड पे हम लोगों को 3 स्टार लेना पड़ेगा एंड उधर के साइड को हम लोगों को 3 स्टार लेना पड़ेगा, क्योंकि दो बेस हो गया ना। तो यहाँ पे बिल्डर बेस जो नया बेस आने वाला है उसको पहले 3 स्टार करना पड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ पे जो सेकेंड बेस है मतलब हम लोगों का जो फिलहाल के लिए जो बेस है इस बेस पे फिर आप अटैक कर सकते हो ओपोनेंट के। मतलब 6 स्टार पे आप लोगों को परफेक्ट स्टार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 6 स्टार होगा तो मतलब 200% होगा, मतलब उस बेस में 100% एंड इस बेस में 100%। तो यहाँ पे 200% आप लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सो यार गाइस, मैं जो कहना चाहता हूँ आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, मतलब आप लोगों को दो बेस देखने को मिलेगा। सिंपल से देखो, मैं और एक बार बोल रहा हूँ सिंपल से। तो देखो, आप लोगों को पहले दो बेस देखने को मिलेगा, एक फिलहाल के लिए जो बेस है एंड उसके साथ और एक न्यू विलेज आएगा, ठीक है, और नाइट विलेज भी होगा। एंड इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को जो दोनों विलेज देखने को मिलेगा, दोनों विलेज एक ही जगह पे होने वाला है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। एंड इधर पे क्या होगा ना, आप लोगों को कोई सा भी विलेज का जो डिफेंस वगैरह है, स्टोरेज वगैरह है, आप कोई से भी विलेज पे लेके जा सकते हो। एंड उसके साथ साथ जो क्या बोले तो बैटल पे थोड़ा सा चेंजेस है, जो मैंने बताया कि आप लोगों को पहले जो न्यू विलेज आने वाला है बिल्डर बेस में उसको पहले 3 स्टार करना पड़ेगा ओपोनेंट को, उसके बाद अब जो अभी फिलहाल के लिए जो विलेज है इस पर आप लोग अटैक कर सकते हो। मतलब 200% पे आप लोगों को परफेक्ट होगा अटैक,
6 स्टार लगेगा आप लोगों को, उस पर आप लोगों को 100% 3 स्टार डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, एंड इस पर आप लोगों को 100% 3 स्टार डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। टोटल 200% डिस्ट्रॉय करो एंड 6 स्टार ले जाओ, एंड इसके मदद से हम लोग आप लोगों का जो फिलहाल के लिए जो होता है 3 स्टार के अंदर जो ज़्यादा स्टार एंड ज़्यादा परसेंटेज लेके आ सकता है वो विनर होता है। वैसे ही तभी भी वैसा ही होगा जो 6 स्टार के अंदर ज़्यादा स्टार ले सकता है एंड 200% के अंदर जो ज़्यादा परसेंटेज लेके आ सकता है उसको ही विनर घोषित किया जाएगा बिल्डर बेस में। तो आई थिंक गाइस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा तो बिल्डर बेस 2.0 में क्या क्या आने वाला है। एंड तो गाइस इसलिए वीडियो को एक लाइक करना बनता है, एंड यार चैनल पे नए हो तो ऐसी अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यार गाइस यहाँ पे हम लोग फिर से बोल रहे हैं गोल्ड पास का गिव अवे कर रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कर लेना, आई थिंक आप सभी लोगों ने किया होगा। एंड जो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गोल्ड पास में पार्टिसिपेट कर लो। सो यार गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गाइस बाय।